नमस्कार, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। आज का हमारा अध्ययन का विषय है आदिकाल का नामकरण। इससे पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों में विभक्त किया और जिन कालों में सबसे प्रमुख पहला काल है आदिकाल, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने आदिकाल व भक्ति काल का विस्तार से अध्ययन करना है। तो आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के द्वारा किए गए कालों का विभाजन और उनके अंतर्गत जो पहला काल है आदिकाल। आदिकाल के नामकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण के संबंध में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अलग अलग मतमान विद्वानों के अपने अपने मत रहे और सभी ने अपने अपने मतानुसार आदिकाल का नामकरण किया। सभी विद्वानों ने आदिकाल के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने विचारों के अनुसार उन्होंने आदिकाल को नाम दिया। तो हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आइए देखते हैं आदिकाल के नामकरण के संबंध में। आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न आचार्यों के मत स्पष्ट कीजिए, तो आप वहाँ इस प्रश्न को हल कर सकते हैं या किसी एक प्रमुख आचार्य का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा आदिकाल का नामकरण क्या रहा या इन्होंने किस नाम को सहमति दी या किस नाम को स्वीकार किया। तो आदिकाल के नामकरण के संबंध में अलग अलग नाम हुए। किसी ने इसे चारणकाल कहा चारणों के कारण। चारणों का कार्य था कि अपने आश्रयदाताओं की, वहाँ के राजाओं की प्रसिद्धि को, उनकी वीरता का बखान करते हुए काव्य लिखना, तो चारणकाल कहलाया उसके आधार पर। किसी ने आदिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का बीज रूप मानते हुए, बीज काल मानते हुए इसे बीज वपन काल की संज्ञा प्रदान की और सिद्ध सामंत काल कहा गया इसे। सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतियों के आधार पर आदिकाल सिद्ध सामंत युग भी कहलाया और किसी ने इसकी भाषा को आधार में स्वरूप लेते हुए इसे अपभ्रंश काल की संज्ञा भी प्रदान की। और प्रमुख नाम जो आदिकाल के लिए रहा वो वीरगाथा काल। वीरतापूर्वक काव्यों को ध्यान में रखते हुए इसे वीरगाथा काल की संज्ञा भी दी गई। तो ये प्रमुख प्रमुख नामों का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदिकाल को चारण काल, बीज वपन काल, अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत युग, वीर गाथा काल आदि नामों से जाना गया और आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार इसके नामकरण निर्धारित किए। तो आइए हम पढ़ते हैं आदिकाल के नामकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का हम लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया उसमें इन्होंने इसकी हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा और उन 11 भागों में आदिकाल के लिए जिस नाम का इन्होंने प्रयोग किया, आदिकाल के लिए जिस शब्द को इन्होंने प्रयुक्त किया, वह शब्द कहलाया चारणकाल। और चारणकाल में इन्होंने कहा कि आदिकाल में चारणों का काव्य रहा, चारणों से संबंधित काव्य था। उन चारणों ने अपने आश्रयदाताओं की, वहाँ के राजाओं की वीरता का चित्रण किया अपने काव्य में। नारियों का, नर्तकियों का चित्रण किया गया, श्रृंगार रस प्रधान चित्रण था। तो उस आधार पर जो ये काल कहलाया चारणकाल। मिश्र बंधु ने इसे हिंदी साहित्य का आरंभ स्वरूप मानते हुए आरंभिक काल की संज्ञा दी। तो मिश्र बंधु के मतानुसार यदि आदिकाल का नामकरण हो सकता है तो वो है आरंभिक काल। मिश्र बंधु ने इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ मानते हुए, आरंभिक रूप मानते हुए आदिकाल को आरंभिक काल की संज्ञा देना उपयुक्त समझा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अगला नाम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए वीर गाथा काल शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वीर गाथा काल इन्होंने क्यों कहा। आदिकाल की प्रवृत्तियों में, आदिकाल की विशेषताओं में ये आदिकाल की प्रमुख विशेषता रहती है कि आदिकाल में वीरतापूर्वक काव्य सर्वाधिक लिखा गया
और उस वीरतापूर्वक काव्य को आधार मानते हुए उसी के आधार स्वरूप आदिकाल जो है वीर गाथा काल भी कहलाया, क्योंकि आदिकाल में वीरतापूर्वक काव्य अधिक लिखा गया और वीरता स्वरूप पूर्वक काव्य को आधार मानते हुए वीर रस का काव्य में चित्रण देखते हुए इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा, जो कि आगे जाकर आदिकाल नाम में परिणत हो गया और आगे जाकर आदिकाल नाम ही प्रसिद्ध रहा और सर्वसम्मति से जिसे कि स्वीकार किया गया। अगला नाम आता है राहुल सांकृत्यायनी। राहुल सांकृत्यायनी हिंदी साहित्य के इतिहास में पहले काल को आदिकाल को इन्होंने सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी। इन्होंने आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग शब्द का प्रयोग किया। इनका मानना है कि इस काल में सिद्धों की वाणियां और सामंतों की स्तुतियां, इन दो चीज़ों की प्रधानता थी वो ये थी कि सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतियां, और इन सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतियों के आधार पर मिश्र बंधुनी राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नामकरण किया सिद्ध सामंत युग। इसके बाद अगला नाम है बीज वपन काल। बीज वपन काल की संज्ञा दी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। उनका मानना था कि आदिकाल में जो काव्य लिखा गया वो था हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक युग, उसके बीज मूल का काव्य। तो आदिकाल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का बीज स्वरूप माना इन्होंने, और हिंदी साहित्य के इतिहास का बीज स्वरूप मानते हुए आदिकाल को इन्होंने बीज वपन काल की संज्ञा दी और आदिकाल को इन्होंने बीज वपन काल कहा कि यह तो हिंदी साहित्य के इतिहास का बीज काल है, उसके उदय होने का काल है, जहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास अंकुरित हुआ, फूटा और आगे जाकर वो पल्लवित हुआ। इसी श्रृंखला में अगला नाम हम देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। यहाँ पर भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से ही सहमत है और उसी के आधार पर इन्होंने भी इस काल को, जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, वीरतापूर्ण गाथाओं का काल माना, और उसी प्रकार से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा। वीर काव्य की प्रचुरता के कारण, वीर काव्य की अधिकता के कारण, वीर रस की उत्पत्ति को, अभिव्यक्ति को देखते हुए हम आदिकालीन जो काव्य है उसमें रासो काव्य बहुत अधिक लिखे गए और रासो काव्यों में वीर रस का काफ़ी प्रयोग किया गया, वीरतापूर्ण काव्य जो था, तो उस आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। अपने मतानुसार उन्होंने आदिकाल के लिए वीरकाल शब्द का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया और उन्होंने कहा यह हिंदी साहित्य के आदि का समय है, उसके शुरुआती समय है, तो ये आदि कहलाया आदिकाल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले तो हिंदी साहित्य के इतिहास को वीर गाथा काल नाम दिया, परंतु आगे जाकर वीर गाथा काल जो है वो आदिकाल नाम में परिणत हो गया। तो वीर गाथा काल आदिकाल नाम में परिवर्तित हुआ। तो हम कह सकते हैं आदिकाल नाम तो दिया शुक्ल जी ने भी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, दोनों ने आदिकाल नाम को प्रयोग किया, और आज भी वर्तमान में हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रारंभिक काल का जो पहला काल है उसका नाम आदिकाल ही प्रचलित है। विभिन्न नाम हुए, सभी आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार नामकरण किया, परंतु जो सर्वसम्मति से और प्रचलित नाम जो है जिसे कि मान्यता प्राप्त हुई, हम कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त जो नाम है वो है आदिकाल। आगे बढ़ते हैं और अगले विद्वान के बारे में देखते हैं, वो है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी और संधि काल भी कहा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल आदिकाल को दो कालों में बांटा और वो काल कहलाए चारण काल और संधि काल। तो रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल व संधि काल दोनों नामों से अभिहित किया। और अंतिम नाम हम देखते हैं धीरेन्द्र वर्मा का। धीरेन्द्र वर्मा ने भाषा को आधार स्वरूप लेते हुए आदिकाल का नामकरण किया और उन्होंने इसे
अपभ्रंश काल की संज्ञा दी। तो धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को कहा अपभ्रंश काल। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार आदिकाल का नाम है अपभ्रंश काल। इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया आदिकाल के नामकरण के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को कहा चारण काल। मिश्र बंधु ने इसे आरंभिक काल की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ स्वरूप मानते हुए आरंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरतापूर्वक गाथाओं के आधार पर, वीर गाथाओं के आधार पर, रासो काव्य के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा, और जो आगे जाकर आदिकाल नाम में परिवर्तित हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतियों के आधार पर आदिकाल को सिद्ध सामंत युग माना, स्वीकार किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का बीज काल मानते हुए, बीज स्वरूप मानते हुए बीज वपन काल की संज्ञा प्रदान की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरतापूर्ण काव्य के आधार पर, वीर रस के आधार पर वीरकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के लिए आदिकाल शब्द का प्रयोग किया, और रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल और संधि काल इन दो नामों में स्वीकार किया आदिकाल को, और धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल शब्द का प्रयोग किया। आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। इसके आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में, कि आदिकाल की क्या परिस्थितियाँ रहीं, जिनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ और साहित्यिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे आदिकाल की परिस्थितियाँ। तब तक आप अपने पाठ्यक्रम में जो ये विषय बताए गए हैं और जो आज का विषय हमने पढ़ाया है, इसके बारे में आप अपने स्तर पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।